जो लाइनें हैं आप लोगों ने कैसेट में सुना होगा। ला 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 तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओ। पहली गाड़ी से घर को चले जाओगे। हालांकि आजकल 90% आदमी अपनी अपनी गाड़ी से घूम रहा है, इसलिए पहली गाड़ी नहीं अपनी गाड़ी से। लेकिन मैं माँ के दरबार में कह रही हूँ, माँ सब है यहाँ परदेसी, केवल तुम नहीं, सब है यहाँ परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। सब है यहाँ परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। रवि कुमार भैया, रवि कुमार जी की ओर से ये 100 मुद्राएं हैं। रवि भैया सुनिएगा, धन्यवाद है आपको। मैं कह रही हूँ यहाँ पर संजय भैया, सब है यहाँ परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। जब तक ये माया का बंधन है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है, जब तक सांसें चलती हैं तब तक ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये बनवाना है वो बिगाड़ना है। जैसे ही सांस बंद होती है सारा खेल खत्म, जैसे जनरेटर से तेल खत्म तो खेल खत्म, वैसे ही अपना भी काम है। आंख बंद होती है इसी शरीर से ही लोग घृणा करने लगते हैं। जब तक आप अच्छे लग रहे हैं, सूट बूट पहने बढ़िया तैयार हैं तो लोग पूछेंगे, और जैसे ही आप लेट कर आंखें बंद कर लेते हैं, अपने ही परिवार के, अपनी ही पत्नी, अपने ही बच्चे, अपने ही पिता सब कहने लगते हैं इनको उठाइए देर हो रही है। इसलिए बस सब है यहाँ परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। और खाली हाथ, खाली हाथ, खाली हाथ आए हैं, और खाली हाथ जाए।
अच्छा हमारे बाबूजी आप फौजी हैं, आपकी बिटी आप प्रज्ञा कुमारी जी, आपकी तरफ से 101 मुद्राएं हैं, बाबूजी को प्रणाम कर रही हूँ, आपके परिवार के सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। और आप फौज में हैं, मेरी समझ से दुनिया में अगर सबसे बड़ा धरती पर कोई भगवान है तो उनमें आप लोग भी हैं। अगर आर्मी पर जवान ना हो, खेतों में किसान ना हो, तो ये दुनिया का जो चल रहा है सब काम बंद है। अन्न दे रहा है किसान, और अगर आप लोग सीमा पर हम लोगों की रक्षा ना करें तो कोई जागरण, कोई कीर्तन, कोई शादी विवाह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत का वीर कहता है कि मेरी ऐ भारत माता, मेरी जिंदगी में लाख सितम लिख दे, मेरी जिंदगी में लाख सितम लिख दे। बाबूजी हमारे सुन रहे हैं, फौजी जी, मेरी जिंदगी में लाख सितम लिख दे, ले ले हमारी खुशियां, हमारे लिए गम लिख दे, और दे दे वतन पे मिटने का बस एक ही मौका, दे दे वतन पे मिटने का बस एक ही मौका, और लहू के कतरे कतरे बस वंदे मातरम लिख दे। पूरा कर रही हूँ, हालांकि ये भी गीत है मेरे पास, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। लेकिन जिस समय भगवान श्री राम ने देखा इंद्र के पुत्र जिसका नाम है जयंत, जयंत काग का यानी कौए का भेष बनाता है, और उसने जाकर माता सीता के पैर में चोंच मार दी, चोंच तो मार दी, भगवान श्री राम को क्रोध आ गया। भगवान श्री राम ने तिनके का बाण उस कौए के पीछे फेंक दिया, वो बाण तीनों लोगों में उस कौए को दौड़ाने लगा, वो कौआ अपने प्राण बचाने लगा, और बचाते बचाते भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंच गया। भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ मुझे बचा लीजिए। अब चूंकि भोलेनाथ रातों दिन राम 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 जपते हैं, जब भोलेनाथ को ये पता चला किस कौए ने माँ समान जानकी के चरण में चोंच मारी है, बस भोलेनाथ का क्रोध फूट पड़ा। भोलेनाथ ने कहा है, कौए अगर आ गया है तो सुन। और इस गीत में कुछ नहीं है, चूंकि कीर्तन अपने आप में एक विषय है, उसको समझने का प्रयास करना पड़ता है। भैया हमारे श्याम भैया जी, श्याम श्याम टेंट हाउस, आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है, और शायद आपका ही ये टेंट लगा है, क्या बात। एक बार इनकी व्यवस्था के लिए तालियां आप लोगों की बजनी चाहिए, बहुत अच्छा। पंडाल के अंदर कम से कम सर्दी नहीं लग रही है, धन्यवाद है भैया आपको। अब इस गीत में कुछ नहीं, केवल पूरा गीत मुहावरों से बंधा है, हम लोगों ने मुहावरे इसमें पिरोए हैं। भोलेनाथ ने कहा कि कौए तूने सीता जी के पैर में चोंच मारी तो सुन, बगल में लिए हो छुरी, we'll be right back।
पागल में लिए हो छुरी, मुख पे जिसके नाम आए के पागल में लिए हो छुरी, मुख पे जिसके जो बबूल बोया तो हाथ कैसे आम आए, बोया तो हाथ कैसे आम आए, बबूल बोया तो हाथ कैसे आम आए। भोलेनाथ ने कहा कि कोयले की दलाली में, मुहावरे सुनिए बस, पूरे गीत में यही है, कोयले की दलाली में हाथ होते हैं काले, कोयले की दलाली में हाथ होते हैं काले। और देखिए बीच बीच में अल्ताफ रजा ने शेर भी पढ़े हैं, आप लोगों ने सुना होगा, ए भैया 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 अल्ताफ रजा ने शेर पढ़े हैं, वैसे ही भोलेनाथ पढ़ रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा कि ए कौवे, अंधों में काना राजा तू लाल बुझक्कड़ हो गया, सब मुहावरे हैं, अंधों में काना राजा तू लाल बुझक्कड़ हो गया, हाथी और मेढ़े में ये कैसा टक्कर हो गया, और घर में नहीं दाने अम्मा भुनाने चल पड़ी, घर में नहीं दाने अम्मा भुनाने चल पड़ी, अरे गुरु तो गुरु था लेकिन चेला शक्कर हो गया, तो कोयले की तलाली कौए के लिए कहने लगे, कोयले की तलाली में हाथ होते हैं काले, तो अपना उल्लू सीधा करने, अरे ये नमक हराम आए, अपना उल्लू सीधा करके ये नमक हराम आए, जिनके माध्यम से हम इस मंच पर आ पाए हैं।
संजय भैया हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ, परमात्मा माता रानी आपकी झोली भरी रखे और थोड़ी देर इसको कहीं छुपा लीजिए, इसको नजर लग जाएगी। जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से, और इसके कान में कुछ पहना दीजिए। बिल्कुल मेरा बेटा बिल्कुल इतना ही बड़ा है, उसका नाम कन्हैया है और सत्य मानिए बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। अगर दोनों को हम खड़ा कर दें तो आपको कतई नहीं लगेगा दोनों भाई नहीं। और हमारे संजय भैया जानते हैं कितना शैतान है, ऐसा ही, इसलिए मैं कह रही हूँ उसको संभालिए। गीत सुनिए, अपना उल्लू सीधा करने ये नमक हराम आए, लेकिन भोलेनाथ ने एक बात और मुहावरों के माध्यम से कही, कहा के जैसी करनी वैसी भरनी, बात ये पुरानी है। जैसी करनी वैसी भरनी, बात ये पुरानी है। हमारे भैया लोग पढ़ते हैं मुहावरे, अकेला चना कभी भाड़ फोड़ सकता नहीं, नग्न स्नान करने वाला वस्त्र निचोड़ सकता नहीं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अरे ये गुड़ भरा हसिया है इसे तू छोड़ सकता नहीं, नहीं। तो जैसी करनी वैसी भरनी, यदि सुबह का भूला हुआ ये लौट घर को शाम आए, क्या बात है, आज बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी पूरी टीम के साथ साथ मिल रहा है। आप लोगों ने अल्ताफ रजा के गीत को सुना है, उसमें वो गा रहे हैं, जब तुमसे इत्तफाकन मेरी नजर मिली थी, अब याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी, फिर तुम मिली दोबारा यूं माह फरवरी में, जैसे के हम सफर हो कोई राह जिंदगी में, कितना हसी जमाना आया था मार्च लेके, वादे वफा पे थी तुम यादों की टॉर्च ले। लेकिन भोलेनाथ क्या कह रहे हैं बहनी, भोलेनाथ ने मुहावरों के माध्यम से कहा, जब उस जयंत ने सीता जी के पैर में चोंच मारी, भोलेनाथ से रहा नहीं गया। भोलेनाथ ने कहा तुम उससे माफी मांग रहे हैं, मुझसे नहीं मेरे राम से माफी मांग, क्यों? क्योंकि हो अब पाड़े हैं पछताते, मुहावरे सुनिएगा बस, अब पाड़े हैं पछताते वही चने की खाते, देखो ये सर मुड़ाते है ओले बरस जाते, सर ओखली में देकर जो चोट को डरता है, ना को चने चबाकर बेमौत वो मरता है, वो आधी छोड़ करके जो एक को है धावे, आधी मिले ना उसको और एक भी ना पावे, आधर के आगे रोवे तो अपनो दीदा खोवे, लेकिन समय पड़े पर कधा भी पाप होवे। आनंद आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो तालियां बजनी चाहिए आपकी, ये बात लगना चाहिए। ओ अब पाने हैं पछताते वही चने की खाते, देखो ये सर मुड़ाते है ओले बरस जाते, सर ओखली में देकर जो चोट को डरता है, ना को चने चबाकर बेमौत वो मरता है, वो आधी छोड़ करके जो एक को है धावे, आधी मिले ना उसको और एक भी ना पावे, आधर के आगे रोवे तो अपना
दोनों दीदा खोवे, लेकिन समय पड़े पर गधा भी बाप होवे। बिच्छू का मंत्र तूने देखा सुना न भाला, फिर सांप के इस बिल में है हाथ काहे डाला। जब दांत होंगे खट्टे तू लोहा मान लेगा, जिद में तू अपने पापी कितनों की जान लेगा। मन में बसे विधाता फिर भी बनी है दूरी, मन में बसे विधाता फिर भी बनी है दूरी। मृग ढूंढता है वन में कुंडल बसे कस्तूरी, और तूने सीता के पैर में चोंच मार दी। दोनों ने ही लगाया कलंक का ये टीका, उसने छली अहिल्या तू दोषी जानकी का। लेकिन अंत में एक सबसे समझाने वाली बात भोलेनाथ ने कही, क्या कहुए जाता है, कुआं प्यासे के पास चलकर नहीं आता। इसलिए याद रखना, खुद ब खुद कोई प्यासा कुएं के पास आता है। लेकिन राम से, मेरे राम से, अरे राम से जो पैर करे तो पैसे फिर आराम आए। जैसे कुत्ता धोबी का घर न घाट काम आए, जो पैर करे तो कैसे फिर आराम आए। बोलिए सियावर रामचंद्र की।